इंडियन गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमारे भारत जो है यूनिटी डाइवर्सिटी में यकीन रखता है, लेकिन कुछ राजा जयसिंह की औलादें नित्यानंद सरस्वती और वसीम रजवी जैसे लोग कुरान और इस्लाम को बैन करने की बातें कर रहे हैं। मैं जो है नेशनल मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो नॉन अलाइंट हो जाए। इस तरह से सोशल मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ये लोग नॉन अलाइंट जो है अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को तो फॉलो सभी कर रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी गई है, लेकिन जो है पुलिस डिपार्टमेंट अगर नॉन अलाइंट होगा, नेशनल मीडिया अगर नॉन अलाइंट होगा और जुडिशरी डिपार्टमेंट अगर नॉन अलाइंट होगा तो ये देश कभी भी आगे जा सकता है। लेकिन ये राजा जयचंद की नस्लें हैं, नित्यानंद सरस्वती वसीम रशी जैसे लोग जो प्री प्लान के तहत खुला नित्यानंद सरस्वती ने कहा कि मैं दुनिया से इस्लाम का नामो निशान मिटाना चाहता हूँ। उस हरामजादों को हम ये बोलना चाहते हैं कि सालों तुम हम जानते नहीं हमारी तारीख, हमारा हवालदार अब्दुल हमीद, हमारा ब्रिगेडियर उस्मान, भारत को जब भी मुसीबत आई है सबसे पहले जान हमने दी है। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। याद रखो अगर इस्लाम को छेड़ोगे मुसलमानों को छेड़ोगे तो तुम हमारी तारीख जानते हो। जंगे बदर का वाकया हम दोबारा दोहरा देंगे इंशाल्लाह, इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। और जो है हुकूमतें चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। उन दोनों आरामदादों को बोलने की आज़ादी है, लिखने की आज़ादी है। हम आगे अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमें रोका जा रहा है, FIR फौरन नहीं दी जा रही है हमें। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से डिस्क्रिमिनेशन है, हम इसका जो है सख्ती से कंडम करते हैं।